टेप फिनिश होने के बाद जो सर्कल हम पे हमारे पास बचता है उसी से आज हम कुछ DIY बनाएंगे। सबसे पहले हम दो सर्कल लिए हैं जो इक्वल साइज के हैं, इस पे हम अच्छे से फेविकोल लगा देंगे। फिर एक दूसरे पे पेस्ट कर देंगे अच्छे से। ये काफ़ी अच्छे से ज्वाइंट हो गया है। अब इसके बाद हम इसे नीचे बेस के लिए मैं एक कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। इसके नीचे हम अच्छे से इसे लगा देंगे। अब बनने के बाद हम इस पर वाइट पेंट कर रहे हैं जिससे इसका अच्छा बेस मिल जाएगा, जिससे मैं कोई भी कलर करूँ तो ईजिली अप्लाई हो जाए। अब कंप्लीट हो गया। आपका जो पसंदीदा कलर हो वो आप इस पे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पिंक कलर लिया है। काफ़ी अच्छे ड्राई होने के बाद इसे हम रख देंगे। अब हम यहाँ कुछ इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए मैं यहाँ क्ले का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने दो सर्कल कर लिए हैं। अब इससे मैं कैट बनाऊंगी, तो मैंने इस शेप में लिया है। अब मैं इसको यहाँ अच्छे से पेस्ट कर दूंगी। आप यहाँ कुछ भी बना सकते हैं। अब यहाँ मैं इसकी टेल बनाने के लिए ब्लैक क्ले का यूज कर रही हूँ। इसे अच्छे से राउंड शेप दे देंगे। इसी तरीके से मैंने दोनों की टेल बना ली है। अब इसके हम मूछें बनाएंगे। मूछें इसकी तैयार हो गई। अब आईज हम छोटे छोटे सर्कल से इसकी आईज ड्रॉ कर देंगे। इसके हम ईयर बनाएंगे। यहाँ मेरी कैट कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से मैंने दोनों कैट को कंप्लीट कर दिया है। अब हम इनके नेक में बेल लगा देंगे जिससे हमारे कैट जो है और क्यूट क्यूट लगेंगी। इसका फाइनल लुक। इसी तरीके से हम सेकंड पेन स्टैंड बनाएंगे। अब इसके लिए मैं यहाँ कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। कार्डबोर्ड की जो जिगजैग वाली लेयर होती है वो मैं निकाल रही हूँ। अब मैं सेम इसी साइज का कट कर लूँगी। कट करने के बाद इस पे अच्छे से पेस्ट कर दूंगी।
पेस्ट करने के बाद मैंने इस पे वाइट पेंट अप्लाई कर दिया है। वाइट पेंट करने के बाद यहाँ मैंने डार्क ग्रीन एंड वाइट कलर को मिक्स करके ये सियान कलर रेडी किया है, जो काफ़ी प्रीमियम लुक आएगा इसे। ये रेडी हो गया है इसका अब ये फाइनल लुक। अब ये थर्ड, पहले मैंने इस पे पेंट किया था तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं अब इस पे चेंज करके मैंने इसमें आइसक्रीम स्टिक का यूज किया है। अब तो हम आइसक्रीम स्टिक से थर्ड पैन होल्डर बनाएंगे। इसी तरीके से पूरे में हमने इस पे आइसक्रीम स्टिक यूज़ कर लिया है। अब ये आइसक्रीम स्टिक लगने के बाद मैं इसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ मेरे पास शादी के कार्ड के स्टिकर्स रखे थे, तो मैंने उसमें से निकाल के मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया है। अब इसका ये फाइनल लुक।